हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त शेख गौस। दोस्तों, मैं आपसे कहा था महिंद्रा सुप्रो लेने वाला हूं, तो महिंद्रा सुप्रो जो है मैं ले चुका हूं। तो अभी फ़िलहाल जो इसी में मैं लोड मार रहा हूं महिंद्रा सुप्रो में। कल एक लोड लेके गया था, आज एक लोड लेके जा रहा हूँ। मेरे को सबसे अच्छा लगा महिंद्रा सुप्रो में इसका पिकअप इतना बढ़िया है इसका। कलच छोड़ेंगे, ओवरलोड भी है तो लेके निकल जाएगी ये। इसको रेस देने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि अब टाटा गाड़ी है तो आप लोड गाड़ी को जो है रेस करते हुए, कलच छोड़ते हुए रेस करते हुए गाड़ी निकालना पड़ता है। इसको ऐसा नहीं है, आप रेस करके भी निकाल सकते हैं या धीरे धीरे कलच छोड़ के भी निकाल सकते हैं, ये खुद ब खुद निकल जाती है। क्योंकि पिकअप मेरे को बहुत अच्छा लगा इसका। ये सबसे बड़ी मेन पॉइंट की बात यही है कि पिकअप अच्छा है। अभी इसका ओवर स्पीड टेस्ट करना है और माइलेज टेस्ट करना है, ओवरलोड कैपेसिटी टेस्ट करना है। अभी बहुत सारे वीडियोस बनाना है इसके ऊपर, जैसा कि जो जो भी मेरे को अच्छा लगा उसके बारे में आपको बताते रहूँगा। और जो गाड़ी में क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या कमियाँ हैं, क्या क्या परेशानियाँ हैं इस गाड़ी के साथ, वो भी आपको मिलते रहेंगे हर एक वीडियो में एक करके। तो फिलहाल आपको यही बताना था, पिकअप बहुत अच्छा है। आप जैसे कि देख सकते हैं लोड भरा हुआ, पूरा फुल ओवरलोड भरा हुआ है। तो अभी इसकी जो है ग्रिल वगैरह बनाना है, ग्रिल बनाएंगे बाद इसमें और ज़्यादा लोड भर सकते हैं। अभी फ़िलहाल जो है इसी साइड में लकड़ी लगा के करके जितना आ सकता है उतना लोड भर रहा हूँ। अभी पीछे का डोर खोल के भी लोड नहीं करा और लोड कर भी नहीं सकते। पीछे का डोर खोल के लोड करने जाएंगे तो पूरा बॉडी जो है इसका फैल जाएगी। पीछे से जो है इसके पीछे का डोर जो है इसके क्लिप पे लगा हुआ है, अगर उसका क्लिप निकल गया तो पूरी डोर खुल जाती, पूरा फैल जाती बाहर, इधर साइड उधर साइड। उस वजह से जो है डोर बंद करके लोड कर रहा हूँ। और इसके अंदर मेरा सोच है कम से कम 25 क्विंटल तक लोड करने का और उसके ऊपर वीडियो बनाने का और आपको बताने का, क्योंकि मैं देखना चाह रहा हूँ 25 क्विंटल ढाई टन खींचने की कैपेसिटी रखती है, नहीं रखती है गाड़ी, वो तो आपको पता चल जाएगा। जब भी मैं उसमें 25 क्विंटल लोड डालूँगा तुरंत आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी। तो दोस्तों, आपको यही बताना था, पिकअप बहुत अच्छा लगा इस गाड़ी का। और अभी देखेंगे आगे क्या क्या कमियाँ हैं, क्या क्या अच्छाई है इसमें। आपको जो ये महिंद्रा जीतो और महिंद्रा सुप्रो मिनी ट्रक, ये तो मेरे दो गाड़ी है, इसके बारे में तो आपको हर वो चीज़ पता चल जाएगी, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, गाड़ी कौन सी अच्छी है, अगर जीतो को इसको कंपेयर करेंगे तो कैसा रहेगा, आपको हर वो वीडियो बताते रहूँगा। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।